हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लो की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्टिकल डिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि उसमें चेंजेस करने पे क्या क्या होता है, और साथ ही मैश के बारे में भी जानेंगे कि दो तरह की मैश होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। फ़िलहाल हम अपने 2D पैनल में हैं, तो चलिए हम दोनों पैनल्स को ओपन कर लेते हैं। नीचे जाइएगा और ये हमारे दोनों पैनल्स ओपन हो गए हैं, 3D भी और 2D भी। उसके बाद हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। एक 20x20 का फिलहाल मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। हमारा रेक्टेंगल हमारे 2D पैनल पे भी आ चुका है और साथ ही साथ वो हमारे 3D पैनल पे भी आ चुका है। इसके बाद मैं एक सर्कल भी ड्रॉ कर दूंगी। क्लिक कीजिए, इसकी सर्कमफेरेंस मैं रख लेती हूँ 40। इसके बाद अपने सेलेक्ट टूल पे जाइए, ए दबाइए अपने कीबोर्ड पे। उसके बाद इसका पार्टिकल डिस्टेंस कम कीजिए। पार्टिकल डिस्टेंस हमारी जो मैश होती है, हम इसकी मैश ओपन करेंगे तो आप देख सकेंगे कि वो पार्टिकल डिस्टेंस क्या है एग्जैक्टली। मैश ओपन करने के लिए आपको यहाँ साइड में जाना होगा और उसके बाद ये देखिए, ये है मेल्ट का, मैश ओपन करने का शॉर्टकट है Alt-5। हम Alt और 5 दबाते हैं। आप देखिएगा हमारा जो ऑब्जेक्ट था अभी तक वाइट था, पर अब वो वाइट नहीं है, उसमें एक अलग ही लुक आ गया है। हम फिलहाल अपने रेक्टेंगल और जो हमने स्क्वायर बनाया था उसी में जूम कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगी 3D पैनल में, और उसके बाद मैं इस 20 को अगर 40 करती हूँ तो देखिए क्या होगा। एंटर दबाइए। जैसे ही मैंने इस 20 को 40 किया तो जो हमारी यहाँ शेप थी मैश की, वो चेंज हो गई है। जैसे ही मैं इसको 5 करूँगी तो जो इसमें शेप बनी हुई है वो बहुत ही छोटी हो जाएंगी। ये हमारे लिए पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो हमारे लिए एक तरह से फाइबर है जिससे हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इस समय मेरा स्क्वायर इस मैश के थ्रू बना हुआ है, जो इसमें शेप बनी हुई है। मैंने 5 कर दिया है, मैं एंटर दबाऊंगी, इसकी शेप ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएगी। ये देखिए ये कितना ज़्यादा बारीक हो गया है। मैं जितना ज़्यादा जूम करूंगी ऐसा लगेगा कि कोई शीट है ऑलरेडी जो टेक्सचर वाली है। अपने ऑब्जेक्ट पे फिर से क्लिक कीजिए, उसको इस तरीके से रोटेट कीजिए लेफ्ट क्लिक करते हुए। साथ ही साथ मैं इसका जो थिकनेस है, एडिशनल थिकनेस, आप जब इस पे सर्कल पे अपने क्लिक करेंगे सिलेक्ट टूल से, तो साइड में जाइएगा एडिशनल थिकनेस, और उस पे हम 50 करते हैं और अपने मैश टूल को वापस चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हमारी राउंडनेस हमें दिख रही है, हमने 50 किया था। अगर हम इसको और बढ़ाएंगे, इसको हम 100 करेंगे, इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा। जैसे ही मैंने कर्व साइड ज्योमेट्री बंद कर दी, इसकी शेप जो एक स्पेयर की तरह बनने वाली थी, एक सर्कल की तरह बनने वाली थी, वो ना होके अब सिलेंडर हो गई है। मैं कर्व साइड ज्योमेट्री ऑन कर लेती हूँ। देखिए अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसी तरीके से मैंने एक पर्ल बनाया था, मैं उसका OBJ यहाँ पे डाल लेती हूँ जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने शेप बनाई है इसको अवतार में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर मैं इसको इसी तरीके से रेंडर कर दूँगी और इस फैब्रिक को इस पे ड्रेप होने के लिए सिमुलेट करूँगी, जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊँगी देखिए क्या होता है।
मेरे फैब्रिक को जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो इस पे पड़ना चाहिए था, इसके ऊपर से डलना चाहिए था, पर जो मेरा फैब्रिक है वो मेरी शेप के बिल्कुल अंदर चला गया है। देखिए वो इस तरीके से ग्राउंड पे फ्लैट गिर गया है। मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपना जो पर्ल मैंने एक बार बनाया था मैं उसको डाल लेती हूँ। इसको हम साइड कर देते हैं और फाइल से इम्पोर्ट ओबीजे। मैंने एक वाइट पर्ल बनाया था मैं उसको इम्पोर्ट कर लेती हूँ। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लोड एज ए अवतार कर रही हूँ जिससे ये किसी अवतार की तरह ही एक्ट करे और मेरा फैब्रिक इससे गुजरे ना, इस पर रुक जाए। इसको ओके कर लेते हैं, मेरे को कोई सेटिंग में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं इसको सेंटर में थोड़ा ले आती हूँ अपने फैब्रिक के और इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। जैसे ही अब मैं इसको इस पर ड्रेप करूँगी ये इस पर गिरेगा, इसके अंदर नहीं चला जाएगा। देखिए मेरा फैब्रिक मेरे पर्ल पे अच्छे से आ चुका है। अब हम पार्टिकल डिस्टेंस को और अच्छे से जान लेते हैं, इसमें जूम कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। इसका पार्टिकल डिस्टेंस मैं जैसे ही बढ़ा देती हूँ, 30 कर देती हूँ, तो देखिए क्या होता है। मेरा फैब्रिक अब काफ़ी रिजिड हो गया है, उसकी जो शेप थी फैब्रिक जैसी अब वो किसी पेपर के जैसी लग रही है क्योंकि मैंने उसका पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ा दिया है। इसको मैं जैसे ही और बढ़ाऊँगी, 50 करूँगी, तो देखिएगा ये और ज़्यादा रिजिड होता जा रहा है। जितना ज़्यादा मैं इसका पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ाऊँगी ये उतना ज़्यादा किसी पेपर की तरह लुक देने लगेगा, इसलिए हमें पार्टिकल डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना करना होता है। पर एक एक्चुअल रेंडरिंग के लिए, एक एवरेज रेंडरिंग के लिए जब हम शुरू में गारमेंट बनाते हैं तो हम उसको हमेशा 20 रखते हैं, पर 20 केवल हम उन्हीं गारमेंट्स के लिए रखते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। अगर हमें किसी गारमेंट का रिब बनाना होता है, कफ बनाना होता है या कोई पतली सी डोरी बनानी होती है तो उसके लिए हमें पार्टिकल डिस्टेंस कम से कम 5 रखना होता है जिससे जो हमारी लुक है फैब्रिक की वो थोड़ी सी रियल आए और वो ऐसा ना लगे कि काफ़ी फेक है। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको 5 कर दिया ये वापस अपनी फैब्रिक वाली लुक में आ गया है। एक अच्छी रेंडरिंग के लिए केवल पार्टिकल डिस्टेंस का कम होना ज़रूरी नहीं होता, तो मैं आपको आज रेंडरिंग के बारे में भी साथ साथ बता देती हूँ। जब हम सिमुलेशन करते हैं तो हमारे 3D पैनल में एक हाई रिजोल्यूशन गारमेंट का एक ऑप्शन होता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पैनल खुलेगा जिसमें पार्टिकल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली, हर आपने जो भी एक पैटर्न बनाया है उसका पार्टिकल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा और उसकी टॉलरेंस जो है हमारी 5 to 20 हो जाएगी। एडिशनल थिकनेस जो हमारी नॉर्मली 0 होती है, हमें बढ़ानी पड़ती है, वो 1 हो जाएगी जिससे वो गारमेंट थोड़ी सी एक्चुअल लुक देगा हमें। और स्किन ऑफसेट जो होता है हमारे अवतार का एक फैब्रिक उससे कितना दूर रहेगा वो होता है, तो ये नॉर्मली हमारे जो प्रीसेट होता है उसमें 3 होता है, 3 mm की हमारी मिनिमम दूरी होती है हमारे किसी भी अवतार और किसी गारमेंट की, पर जैसे ही हम हाई रिजोल्यूशन कर देते हैं तो वो 0 हो जाती है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, आपको इसमें थोड़ी सी मिनिमल स्किन ऑफसेट चाहिए तो हम इसको 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं। सिमुलेशन क्वालिटी भी फ़िलहाल हम कंप्लीट पे हैं, हमारी नॉर्मली एक नॉर्मल क्वालिटी होती है और एक कंप्लीट क्वालिटी होती है,
तो कंप्लीट क्वालिटी में हमारा गारमेंट और भी रियल लुक देता है। तो चलिए हम एक बार हाई रिजोल्यूशन वाली सिमुलेशन करके देख लेते हैं। मैं इसको रेंडर करूँगी। इस रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कभी भी आप हाई रिजोल्यूशन में आप काम मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा रुकना पड़ेगा, आपका काम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। हाई रिजोल्यूशन इसलिए आप जब ही यूज़ कीजिएगा जब आपको पूरा यकीन है आपका गारमेंट बन चुका है, आपको केवल उसकी फाइनल लुक देखनी है और साथ ही साथ उसकी इमेजेस जो हैं आपको उसमें से निकालनी है। तो हमने रिजोल्यूशन कर दिया है। हमारा एक सिंपल सा फैब्रिक था जो किसी पर्ल पे ले था, हमारी वो ही अभी रेंडरिंग नहीं हुई है अच्छे से। देखिए इस रेंडरिंग को करते ही आपकी जो वर्किंग है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। अगर मैं फैब्रिक को जैसे ही हाथ लगाऊंगी तो बहुत ही स्लो मूव होगा, होगा ज़रूर पर स्लो मूव होगा। इसीलिए ये एक फाइनल रेंडरिंग होती है, इसके बाद आप गारमेंट को जितना कम हाथ लगाएंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है, आप जल्दी काम कर पाएंगे, नहीं तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होने लगेगा। मैंने गारमेंट को छोड़ दिया है पर वो देखिए अभी भी प्रोसेस कर रहा है कि वो अपनी पुरानी शेप में जो उसको जाना है वो जा ही रहा है, तो इसलिए ये रेंडरिंग काफ़ी स्लो होती है। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगी लो रिजोल्यूशन गारमेंट पे क्लिक करके ओके कर दूँगी, हमारी रेंडरिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारा सिंबल रेड हो चुका था अब वो फिर से नॉर्मल हो गया है, वाइट हो गया है। इसको रेंडर कर लेते हैं। ये देखिए अब कितनी जल्दी जल्दी मैं रेंडर कर सकती हूँ। इसलिए आप जब भी काम कीजिएगा तो लो रिजोल्यूशन में काम कीजिएगा, जब आपका गारमेंट बन चुका है आपको फाइनल रेंडरिंग करनी है तो ही आप उसको हाई रिजोल्यूशन में सिमुलेट कीजिए।